प्रकृति की अद्भुत लीला है। यह संसार का एक विचित्र रंगमंच है। देखिए कितना खूबसूरत है। तो यह संसार का एक ऐसा रंगमंच है जहाँ तरह तरह के अजूबे देखने को मिलते हैं, मतलब अजब तरह तरह की चीजें। वैज्ञानिक प्रयास करते हैं कि हर दृश्यमान वस्तु या घटनाक्रम के वे कारण जान सके, फिर भी उनके रहस्यों का समाधान वह अपनी तर्क बुद्धि से देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार की कुछ प्रकृति के अजूबे हैं जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक चलती फिरती पहाड़ी है जिनका नाम ग्रामसीन है। यह पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन पार्क की तरह है। यह पहाड़ी अपना स्थान बदलती रहती है। जानकारों के अनुसार इस पहाड़ी की तली में 100 फुट मोटी नमक की एक चट्टान है। पहाड़ी की जड़ उसी पर टिकी हुई है और नीचे का नमक नमी, गर्मी और सर्दी से प्रभावित होकर उथल पुथल करता रहता है और पहाड़ी इधर उधर खिसकता ढकलता रहता है। इसी वजह से वह पहाड़ी चलता हुआ महसूस होता है। ऑस्ट्रेलिया का टॉर्न पर्वत का नोडर्न जलप्रपात संसार के प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। प्रतिदिन तीसरे पहर ठीक 3:30 बजे उसके ऊपर एक इंद्रधनुष उठता है। इसका समय इतना निश्चित है कि लोग उससे अपनी घड़ी मिलाकर टाइम सही रख सकते हैं। ब्राजील के एक नगर वेल्डन टडपोरा में दोपहर के 2 से 4 बजे तक नियमित रूप से वर्षा होती है। इससे कभी रुकावट नहीं आती। उस क्षेत्र के निवासी इन 2 घंटों में माध्यम अवकाश मनाते हैं। गर्म और ठंडे जल के झरने संसार में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, किंतु इटली के अर्मिया क्षेत्र में अपने ढंग का एक विचित्र झरना है। उसमें सर्दी के दिनों में गर्म पानी निकलता है और भाप के बादल निकलते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में उसका पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। जापान के सासुओ नगर का एक नागरिक तोशिको नियमित रूप से त्रिपिटक का पाठ करता था। वह जिस पन्ने का अपना पाठ छोड़ता था उसमें एक हरी पत्ती का विराम चिन्ह लगा देता था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जीवन भर एक ही पत्ती का प्रयोग करता रहा था और वह पत्ती कभी सूख नहीं पाती थी। 80 वर्ष की अवस्था में वो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन वह पत्ती सूख गई। वह पत्ती इतने दिन हरी कैसे रही इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का एक टोही वायुयान मोर्चे का सर्वेक्षण कर रहा था। उसके चालक और सर्वेक्षणकर्ता शत्रु की गोली के शिकार हो गए। वायुयान ऊपर ही उड़ता रहा। वह घंटों आसमान में बिना पायलट के चक्कर काटता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद ही वह भूमि पर उतरा। आखिर वह कौन सी शक्ति थी जो उस यान का संचालन कर रही थी? नदियां जिले के जो कि पश्चिम बंगाल में है उसको कुलडिया गांव में एक शिक्षक के घर पर एक ऐसा नारियल का पेड़ लगा है जिसकी शाखाओं से ही उसकी संतानें जन्म लेती हैं। पिछले 3 वर्षों में इस पेड़ ने लगभग 100 पौधे को जन्म दिया है। सभी पेड़ उस पेड़ के जड़ से ही उगते हैं। जब पत्तों में अंकुर आते हैं तो उन्हें तोड़कर जमीन में गाड़ दिए जाते हैं और एक स्वतंत्र पौधा निकल आता है। अगर अंकुर युक्त पत्तियों को पेड़ से अलग नहीं किया जाता है तो वे सूख कर गिर जाते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अंजिष्ठा मार्ग पर पहुर नामक एक छोटा सा गांव, वहां से लगभग 3 मील दूर सीप गांव है। इस गांव में एक अद्भुत नीम का पेड़ है। इसके प्रत्येक डाले के पत्ते कड़वे हैं, किंतु एक डाल ऐसी है जिसकी पत्तियों का स्वाद मीठा होता है। किंवदंतियों के अनुसार कड़वा महाराज नामक एक सिंध संत ने ईश्वर के अस्तित्व और उसकी शक्ति का परिचय देने के लिए ऐसा चमत्कार कर दिखाया था जो आज भी है। वृक्ष वनस्पतियों में ऐसी अनेक प्रकार की विचित्रताएं पाई जाती है जिन्हें देखकर बुद्धि चकरा जाती है आदमी की। गर्म प्रदेशों में पाया जाने वाला वृक्ष समानी समय वनस्पति जगत में अपने ढंग का एक अनोखा वृक्ष है। वह रात में बादल की तरह बरसता है। यह पेड़ दिन भर अपने डंठलों से हवा की नमी को सोखता है और अपना भंडार भर लेता है। जैसे वातावरण की गर्मी शांत होती है वह उस भंडार को खाली करके वहाँ के प्राणियों की प्यास बुझाता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारे दुनिया में ऐसे ऐसे विचित्र चीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और आप हैरान हो जाएंगे उसे देखकर। तो ऐसे ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप हमसे पा सके। तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि आपके साथ ये भी हमसे कुछ अच्छी जानकारियां पा सकें। हर चीज में अच्छी जानकारियां हम आपको पर डे देते रहेंगे, तो आप अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। थैंक्स।